वेलकम बैक दोस्तों। इस क्लास में हम बात करते हैं पीसी मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी की। कैसे आप अपना पीसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा अपना पीसी साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पीसी के ऊपर डस्ट आने देंगे तो उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपके पीसी के हार्डवेयर खराब हो। तो बेसिकली आपको पीसी बस साफ रखना है। एंड क्या क्या करना है साफ करने के लिए, आपको आपका जो कीबोर्ड है उसे साफ रखना है। वीकली आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कीबोर्ड 1 वीक में बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो कीबोर्ड है, हम रेगुलर यूज करते रहते हैं तो बहुत ही डस्ट आ जाती है उसके ऊपर एंड कचरा जमा होता रहता है। तो कीबोर्ड को आपको साफ रखना है, आपका जो मॉनिटर है उसे साफ रखना है, क्योंकि अब ये जो चीजें हैं हार्डवेयर है उनकी आप केयर करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका रिपेयर का कॉस्ट है वो एकदम कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप उसे मेंटेन करते रहेंगे, उसकी केयर करते रहेंगे तो आपका वो चीज खराब नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा माउस होता है उसको भी साफ रखना पड़ता है। माउस के अंदर डस्ट जम जाती है तो उसे क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको लिख चुका हूँ कि आपको ये वीकली करना है, कि आपके जो कीबोर्ड की डस्ट है उसे वीकली साफ करना है, उसके बाद मॉनिटर है वीकली करना है, उसके बाद माउस है वीकली करना है, उसके बाद आपको अपना पीसी भी क्लीन करना है। आपने कभी अपना पीसी ओपन करके देखा हो तो वहां पे बहुत सारी डस्ट होती है, बहुत सारे जाले होते हैं, तो वो आप विदिन 6 मंथ, एवरी 6 मंथ एक बार आप उसे खोल के क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी स्टेप हैं इन सबको करने के लिए, ऊपर वाले 4 की बात कर रहा हूँ, जितने भी स्टेप है उनको करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पीसी का मेन पावर सप्लाई ऑफ कर देना है, उसका प्लग अपने बोर्ड में से निकाल देना है दोस्तों। उसके बाद ही आपको ये सब करना है। एंड ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी चालू में, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आपके ऑन हो, ऑन में ऐसा सब आपको ट्राई नहीं करना है। आपको उसका स्विच अलग निकाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पीसी को अपने मेंटेन करना है या क्लीन करना है दोस्तों। एंड जो हमारा पीसी है उसे प्रॉपर पावर डाउन या फिर रिवोल्ट रेगुलर करते रह कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपका काम खत्म हो जाता है, आप नीचे से पीसी की बटन दबा देते हैं ताकि आपका पीसी पावर ऑफ हो जाए। ऐसा मत कीजिए, आपके पास विंडो में ऑप्शन मिलता है पीसी को पावर ऑफ करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उस ऑप्शन से पावर ऑफ कीजिए पीसी को। एंड हो पाए तो हर 3-4 दिन में पीसी को कभी बीच बीच में रिस्टार्ट भी करते रह कीजिए, क्योंकि पीसी का आप जितना ख्याल रखेंगे उतना आपका रिपेयरिंग कॉस्ट या फिर जो भी खर्चा होने वाला है वो कम हो जाएगा या खत्म भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीसी की बात हो गई, अब बात आती है हार्ड ड्राइव की। तो जितना पीसी हमारा इंपॉर्टेंट है उसकी हार्ड ड्राइव भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड ड्राइव को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, तो रेगुलर उसका बैकअप लेते रहिए कि कभी इन फ्यूचर इन केस खराब हो जाती है तो उसका बैकअप हमारे पास स्टोर रहेगा। तो बैकअप हमें लेते रहना चाहिए हमारे हार्ड ड्राइव का, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है उसकी। उसके बाद आपको कॉन्फिगर करना है आपका सेटअप, कि जब पीसी आपका चालू होता है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें ओपन नहीं होने चाहिए, वो सब आपको चेक करना है। उसके बाद डिस्क क्लीनअप एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ इसे आप रन कर सकते हैं, ताकि आपकी हार्ड ड्राइव में जो कचरा पड़ा है वो सब निकल जाए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मेजर अपडेट होते हैं, मेजर अपडेट हमेशा कीजिए, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी अपडेट होती है बेसिकली हमारे कंप्यूटर की। तो जो भी मेजर अपडेट आते हैं आपके पीसी में तो उसे हमेशा अपडेट कर दीजिए, हमेशा उसे इंस्टॉल किया कीजिए दोस्तों। तो हमारी हार्ड ड्राइव मेंटेन हो चुकी है। आई थिंक यहाँ पे यहाँ पे मैं टॉपिक चेंज करना भूल गया हूँ, यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी के बारे में। तो मेंटेन योर सिक्योरिटी या प्रोटेक्ट योर सिक्योरिटी, ऐसा टॉपिक होना चाहिए था यहाँ पे। तो कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे आप सिक्योरिटी कर दीजिए कि जितनी आपकी हार्ड ड्राइव इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं, तो बेसिकली आपका जो भी एंटीवायरस आपके पीसी में है, एंटीवायरस नहीं है तो आपकी जो विंडो का डिफेंडर है उसे रेगुलर आप अपडेट करते रहिए। जितनी बार उसके अपडेट आते हैं उतनी बार उसके अपडेट कीजिए, क्योंकि उसके अपडेट हर वायरस को डिटेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं दोस्तों, उसे और अच्छा डिफेंस करने में मदद करते हैं। एंड जो सेकेंड आइटम है वो है कि आपका जो पीसी का पासवर्ड है उसे आप रेगुलरली 6 मंथ के आसपास चेंज करते रहिए। पासवर्ड आप चेंज करते रहेंगे तो उतना ही ज्यादा आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा दोस्तों। उसके बाद फर्मवेयर या फायरवॉल कह सकते हैं, तो उसकी भी आप सिक्योरिटी चेक करते रहिए, उसे भी रेगुलर अपडेट करते रहिए। एंड अगर आप एक से ज्यादा पीसी यूज करते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो पीसी यूज करते हैं, तो उसके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल रखिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कोई सिखाने वाला होगा, उनके कोई ट्विटर होंगे या उनके टीचर आप कह सकते हैं वो उनको पीसी सिखा रहे होंगे, तो डेफिनेटली उसमें आपको पेरेंटल कंट्रोल रखना चाहिए।
एंड आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज एक्सेसिबल है एंड कौन कौन सी चीज उसमें एक्सेस नहीं करनी है, तो वो सब आपको अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं फाइल की। अब हमारी सिक्योरिटी हो चुकी है, हार्ड ड्राइव हो चुकी है, अब बात आई फाइल की। तो फाइल को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं अपने पीसी में? तो फाइल को मेंटेन करने के लिए दोस्तों सिमिलर फाइल है उनका एक फोल्डर बनाइए, एक सेपरेट फोल्डर। कोई भी फाइल हो सकती है, जैसे आपकी फैमिली ग्रुप की इमेज है, कहीं आप टूर पे गए हैं तो उसकी आज सब फाइल ऐसी ही पड़ी है, तो उसका एक सेपरेट फोल्डर बनाइए, उसको फोल्डर में डालिए। जो आपकी अनयूज प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं करते पीसी में से, उन सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दीजिए, मतलब अनइंस्टॉल कर दीजिए, ताकि आपका पीसी और अच्छा बेटर काम करे। उसके बाद जो भी आपके काम की फाइल नहीं है या फिर टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल होती है उनको डिलीट कर दीजिए। एंड डिलीट करने के बाद हमारी रिसाइकल बिन को भी खाली कर दीजिए, क्योंकि रिसाइकल बिन में जब तक सामान रहता है वो आपकी सी ड्राइव में ही पड़ा रहता है, वो कहीं जाता नहीं है दोस्तों। तो हमारी रिसाइकल बिन को भी खाली कर दीजिए, ताकि आपका जो भी कचरा था वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाए। एंड जो लास्ट ऑप्शन बचता है, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है उनको क्लाउड में ट्रांसफर कर दीजिए। क्लाउड ड्राइव में आप उसे ट्रांसफर करने के बाद कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके पीसी में कोई फाइल है, आपने उसे क्लाउड में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप उसे अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाता है मोर मेंटेनेंस अलर्ट। तो ये सब जो हमने बताया वो तो रेगुलर मेंटेनेंस है एंड सिक्योरिटी है, जो नॉर्मली हमको फॉलो करना चाहिए अपने पीसी को और बेटर बनाने के लिए। एंड यहाँ पे जो मेंटेनेंस अलर्ट है, ये बेसिकली चार चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपका जो डिवाइस है उसे ओवरचार्ज मत कीजिए। जैसे आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, अगर 100% हो जाता है तो उसका चार्जर प्लग आउट करके आप रख दीजिए। कभी भी बैटरी फुल होने के बाद उसे रेगुलर चार्ज में मत लगाया कीजिए। एंड जो भी खाना पानी है आपके कंप्यूटर पीसी से दूर रखिए। उसके बाद स्पैम वाइल ब्राउजिंग। तो ब्राउजिंग में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो स्पैम होती हैं, आपका डेटा लीक हो सकता है, तो ऐसी वेबसाइटों से आपको दूर रहना है। एंड आपके डिवाइस को ओवरहीटिंग से दूर रखना है। अगर आपका पीसी बार बार ओवरहीट हो जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक अच्छा पावर सप्लाई उसमें लगाइए, या फिर उसका फैन में कुछ प्रॉब्लम हो, उसका अच्छे से एयर पास ना होती हो तो उसे भी करके देखिए। बेसिकली तब भी ऐसा होता है अगर आपकी पावर सप्लाई ठीक हो, फैन भी ठीक हो, तो बेसिकली ये कब होता है कि बहुत टाइम से आपका जो सीपीयू है वो बंद ही रहता है, आपका जो बॉक्स होता है तो बंद रहता है, तो उसे खोल के एक बार आप क्लीन कर दीजिए। उसके अंदर बहुत सारा डस्ट निकलेगा, बहुत सारे जाले टाइप निकलते हैं, तो उनको आप क्लीन कर दीजिए, तो हो सकता है उससे आपकी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन उससे अगर नहीं होती है तो बेसिकली उसका फैन एक बार आप देख लीजिए अच्छे से वर्क करता है या नहीं। अगर फिर भी करता है, आपने कोई हैवी प्रोसेसर या हैवी रैम लगा के रखी है, आपका जीपीयू बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपनी पावर सप्लाई भी चेंज करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि कैसे अपने पीसी को मेंटेन करना है, कैसे उनके कुछ हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनको रेगुलर अपडेट करना है, एंटीवायरस को अपडेट करना है, ताकि आपकी सिक्योरिटी भी अच्छी बनी रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड पता चला हो कि कैसे आपको पीसी को मेंटेन एंड सिक्योरिटी को टाइट रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।